भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया शाखा द्वारा वनभाग स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र भगत एवं अन्य पदाधिकारी का मनोनयन होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार एवं प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को अंगवस्त्र एवं फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि भाजपा में आए सभी पदाधिकारी का स्वागत है जो आम लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आगामी चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। वहीं ओबीसी मोर्चा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भगत ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ निभाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर आदेश को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करेंगे। दुर्गा पूजा की बहुत बहुत आप सभी मीडिया बंधु को, प्रिंट मीडिया को बहुत बहुत बधाई। आज जिला कार्यालय में हम लोग नव मनोनीत हमारे इस जिला के पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष जिनका स्वागत करने के लिए हम लोग और उनके पूरे टीम को स्वागत करने के लिए आज हम लोग जुड़े थे और आज सभी लोगों को स्वागत किए हैं। इस बीच में हमारे प्रदेश मंत्री भी जो हैं हमारे अनिल ठाकुर जी आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर के उपस्थित हैं। आने वाले समय में पिछड़ा मोर्चा पूर्णिया जिला में बेहतर कार्य करे इसके लिए हम लोगों ने अपने नेतृत्व में यहाँ पे सुरेंद्र भगत जी को लाए। हम पूरा उम्मीद और कामना करते हैं कि आने वाले समय में ये बहुत मजबूती के साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं समाज में भी हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का उद्देश्य था कि अंतिम भक्ति तक हम लोग को पहुँचना है। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे जो वर्तमान जिला अध्यक्ष जी हैं वो उसको सपने को पूरा करेंगे, हम लोग अंतिम पंक्ति तक पहुंचेंगे। और ये सिर्फ जो अभी जातीय जनगणना जो चलाई गई, भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को साथ में लेकर के चलने का ये करती है, तो हम लोग इसमें बेहतर करेंगे और समाज में समाज की तरह जुड़ेंगे, ना कि जात की तरह जुड़ेंगे। सभी लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, ये हम लोग का प्रण है। सम्मानपूर्वक मिलना चाहिए, ये हमारा प्रण है, ना कि एक दूसरे को बांटना, ये हमारा प्रण है। तो इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग का यहाँ उपस्थित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी जितने हमारे हैं जिला के, उनके साथ नवरात्रा के पवित्र दिनों में मिलन किया गया। आज कोई प्रोग्राम नहीं है, हम लोग आपस में मिलन का प्रोग्राम है। आप लोगों के सहयोग से इसी बहाने सभी पत्रकार बंधु से भी मिलने का मौका लग गया। पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारे बधाई शुभकामनाएं के साथ साथ के माध्यम से जुड़े सभी पूर्णिया वासियों को भी नवरात्रा की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देती। आज के शुभ दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व द्वारा और हमारे पूर्णिया के भाई जिला अध्यक्ष राकेश भैया के संगठन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा दायित्व हमें सौंपने का कार्य किए। इसके लिए मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष हमारे भाई बड़े भाई राकेश जी और प्रदेश नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम अपने जिला अध्यक्ष जी को, राकेश भैया को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपने जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे जैसे कार्यकर्ता को देकर सम्मान दिया, ये कार्यकर्ता उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं परिचय बता दें, संगठन को और मजबूत बनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी
हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष समाज चौधरी जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलराम जी का हाथ मजबूत करूंगा, साथ ही अपने कार्य शैली से अपने जिला अध्यक्ष को गर्व करवाने का कार्य करूंगा। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।